गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल अ गुड स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद चैप्टर नंबर दिसन दैट इज पॉल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर लेट एस नाउ डिस्कस वट कैन बी डन वट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज इन ओवर फाइट अगेंस्ट एयर पॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल अफ्यू ईयर्स अगो दहली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड कुछ साल पहले तक दिल्ली को वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पोलूटेड सिटीज में काउंट किया जाता था इट वॉज बीन चॉकड बाई फ्यूम्स रिलीज फ्राम ऑटोमोबाइल्स रनिंग ऑन डीजल एंड पेट्रोल क्योंकि जो ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स जो रन करते हैं डीजल और पेट्रोल की हेल्प से अब डीजल और पेट्रोल की बर्निंग की वजह से क्या होता है फ्यूम्स रिलीज होते हैं अब वो फ्यूम्स इतने ज्यादा अमाउंट में पोल्यूटेड होते हैं आप कह सकते हो कि एयर को इतना ज्यादा पोल्यूट कर देते हैं कि वहां पर जैसे दम घुटने वाली सिचुएशन आ जाती है तो इतना ज्यादा वो एयर को चॉक्ड कर देते हैं सो so, जो एयर पोल्यूशन लेवल है दिल्ली में बहुत ज्यादा हाई हो गया देन अ डिसीजन वॉज टेकन टू स्विच टू फ्यूल्स लाइक सी अब एक डिसीजन लिया गया कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग डीजल एंड पेट्रोल वहां पर सीएनजी यूज करेंगे सी एनजी दहली ट्रांसपोर्ट आजकल जो दिल्ली में बसेस चलती हैं वो सब सी एनजी के हेल्प को यूज करती है मीन सी एनजी एक फ्यूल की तरह यूज हो रहा है इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एंड अनलिमिटेड पेट्रोल अब जो लेड प्रेजेंट होता है पेट्रोल के अंदर अगर उस लेड फ्री पेट्रोल को हम यूज करेंगे तब भी हम क्या कर सकते हैं जो एयर पोल्यूशन लेवल है उसे रिड्यूस कर सकते हैं अब और अनलेडेड पेट्रोल की वजह से जो पोल्यूशन लेवल है दिल्ली का वो कुछ क्लीन हो सकता है ठीक है यू माइट नो सम्पल्स फ्रॉम योर एरिया रिगार्डिंग रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन शेयर दीज विद योर फ्रेंड्स अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आप क्या कर सकते हो कि एयर पोल्यूशन कम करने के लिए आप मोर टी ट्रीज प्लांट कर सकते हो ठीक है लेस यूज ऑफ व्हीकल्स कर सकते हो ठीक ज्यादा से ज्यादा आप क्लीनर एयर कर सकते हो विद हेल्प ऑफ यानी आप ज्यादा से ज्यादा बर्निंग कम करो ठीक है आप जितना अल्टरनेट मेथड्स यूज कर सकते हो कि रिड्यूस एयर पोल्यूशन को करने के लिए आप वो सब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी उन अपने आइडियाज को शेयर करो द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी अब जो क्वालिटी एयर की है जो एयर एयर का इंडेक्स होता है क्वालिटी इंडेक्स तो वो हर एक एरिया में हर एक लोकेशन पर मोनिटर किया जाता है रेगुलरली बाय गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसीज के थ्रू ठीक है वी कैन यूज दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स क्योंकि जो डाटा आपका गवर्नमेंट और अदर एजेंसीज रिलीज करती हैं उस डाटा को आप यूज करकर एक अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर सकते हैं कि आप अपने फ्रेंड्स को और अपने नेबर्स को अवेयर कर सकते हैं कि वो एयर पोल्यूशन कम कैसे करें ठीक है देयर इज नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेटिव फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे नेचुरल फ्यूल्स हैं अब पेट्रोल है जो हम ऑयल है जो हम नेचुरली जो हमारे फ्यूल्स हैं अगर हम उन्हें कंटिन्यूटी में इसी टाइप से यूज करते रहे आने वाले समय में वो फ्यूल्स हमारे पूरे खत्म हो जाएंगे सो so, हमें इन फ्यूल्स को भी सेव करना है तो हम इन फ्यूल्स की जगह इन फ्यूसिल फ्यूल्स की ना यूज कर दूसरी चीजें यूज कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल वी कुड बी यूज सोलर एनर्जी जो सोलर आप लाइट यूज करते हो सोलर एनर्जी यूज कर सकते हो हाइड्रो पावर यानी कि आप पानी के हेल्प से जो पावर जनरेट होती है उसको यूज कर सकते हो या विंड एनर्जी जो बड़े बड़े विंड माइल्स होते हैं उनकी हेल्प से जो एनर्जी बनती है आप उसे यूज कर सकते हो ठीक है सो दीज आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन नाउ स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन योर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट ऑफ इन्वॉर्मेंट आपकी तरफ से एक छोटा सा भी प्रयास आपकी द्वारा किया गया एक छोटी सी भी आप कह सकते हो तो एक कोशिश एक ह्यूज डिफरेंस बना सकती है आपके एनवाट को सेव करने के लिए फॉर एग्जाम्पल आप जैसे रेगुलर स्कूल में आते हो तो स्कूल में आप अपने जो आप व्हीकल से आते हो फॉर एग्जाम्पल आपको घर से आपका कोई छोड़ने आता है स्कूल में तो वो आपको बाईसाइकिल दे सकता है ठीक है आप बाईसाइकिल यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ यूजिंग कार्स एंड योर मोटरसाइकिल्स बिकॉज वो फ्यूल्स पे चलती हैं ठीक है तो आप वॉक कर सकते हो आप यूज कर सकते हो बाईसाइकिल ट्रेवल अगर आपको कहीं भी करना होता है तो आप बाय रोडवेज की बसेस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो आपको एक इंडिविजुअल के लिए एक इंडिविजुअल कार की जरूरत ना हो इंडिविजुअल पर्सन के लिए आपको एक इंडिविजुअल बाइक की जरूरत ना हो तो ये जो मेथड्स हैं इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो इन्वामेंट को सेव कर सकते हो वंस ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेबरहुड जो आप एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए मोर एंड मोर ट्रीज प्लांट कर सकते हो ठीक है और जो आपका नेबरहुड में ऑलरेडी जो प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट हैं उनको नर्चर कर सकते हो मीन्स उनको अच्छे से पानी वगैरह दो उनकी अच्छे से देखभाल करो ठीक है Do you know about वन महोत्सव क्या आप सबको वन महोत्सव के बारे में पता है जब lakhs of trees are planted in July every year, जो वन महोत्सव टाइम होता है वो जुलाई में आता है हर साल तो जुलाई के महीने में बहुत सारे लाख बहुत लाखों की संख्या में हम पेड़ों को प्लांट करते हैं ठीक है ताकि जो हमारा एनवाट है वो ग्रीन रहे और एयर पोल्यूशन भी रिड्यूस हो सके नाउ भूजो एंड पहेली वंस एरिया वेयर सम पीपल बर्निंग ड्राई लीव्स अब और पहेली कहीं किसी एरिया में गए वहां पर कुछ आदमी जो ड्राई लीव्स होते हैं जो पेड़ों पे से ड्राई लीव्स झड़ जाते हैं उनको बर्न कर रहे थे दे स्टार्टेड कफिंग अब उस ड्राई लीव्स की बर्निंग की वजह से बहुत ज्यादा स्मोक रिलीज हुआ उसकी वजह से उन्हें कफ स्टार्ट हो गई बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक वहां पर बहुत ज्यादा धुआं हो गया पहली थॉट इट इट वुड बी अ बेटर ओपिनियन टू पुट देम इन अ कंपोजिट पिट देन बर्निंग डू यू थिंक सो अगर वहां पर उस लीव्स को बर्न ना करके उनको एक पिट में यानी आप कह सकते हो एक कूड़े के ढेर की तरह इकट्ठा कर दें सारे ड्राई लीव्स को तो वो क्या बन सकता है खाद की तरह उसको हम यूज कर सकते हैं आप कह सकते हो फर्टिलाइजर की तरह भी उसको यूज किया जा सकता है फॉर प्लांटिंग ट्रीज एंड फॉर नर्चरिंग दैम ओके

अब आप सबको पता है कि जो वाटर है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है हम वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते ठीक है हमें हर एक काम के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है सपोज आप इमेजिन करो अगर आप पानी ना हो तो आप कितने दिन के लिए सर्वाइव कर सकते हो पानी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे रिक्वायर्ड लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पानी की भी एक रिक्वायरमेंट होती है ठीक है ट वॉटर इज बिकमिंग स्कॉस ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी आप डे बाय डे देख रहे हो कि जो वाटर है वो कम होता जा रहा है यानी स्कॉसिटी आ रही है वाटर की क्यों क्योंकि जो इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा वॉटर को यूटिलाइज करने के लिए इंसान आ जाएंगे ठीक है जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज होंगी इंडस्ट्रीज में भी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी वाटर बहुत ज्यादा हमें जो uh, हमारे एग्रीकल्चर में हम प्लांट्स वगैरह ग्रो करते हैं या आप कह सकते हो जितनी भी हम अनाज पैदा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें भी क्या चाहिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है तो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकम डर्टी आफ्टर वी यूज इट फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड बाथिंग एक्सेट्रा आप सबको पता है कि जो हम हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं फॉर एग्जाम्पल हम कपड़े धोते हैं हम नहाते हैं तो वो सारा पानी क्या होता है डर्टी हो जाता है दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटीरियल टू दाटर विथ स्पोयल इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर अब हम इसका क्या मतलब है कि डर्टी हो रहा है पानी पानी डर्टी मीन्स कि हम कुछ ना कुछ पानी के अंदर ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पानी को स्पॉइल कर रहा है जिसकी क्वालिटी उसकी एडिंग की वजह से कुछ भी खराब हो रही है और उसकी जो स्मेल है उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि पानी डर्टी हो जाता है वेन एवर हार्मफुल सब्सटांसेज सच एज सीवेज टॉक्सिक केमिकल सिल्ट एसेट्रा गेट मिक्सड विद वॉटर द वॉटर बिकम्स पोल्यूटेड द सबस्टांसिस दैट पोल्यूट वाटर आर कोल्ड वाटर पोल्यूटेंट्स अब कोई भी हार्मफुल सब्सटांस जो जैसे फॉर एग्जाम्पल सीवेज वेस्टेज होता है टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं या आप कह सकते हैं सिल्ट एसेट्रा जितने भी मटेरियल्स होते हैं जब ये वाटर के अंदर अप हो जाते हैं तो ये वाटर को पोल्यूट कर देते हैं और इन्हीं सबस्टांसिस को हम क्या कहते हैं वाटर पोल्यूटेंट्स नाउ हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड अब हम एक केस स्टडी करते हैं कि वाटर पोल्यूटेड कैसे हो जाता है अब हमें ये तो पता लग गया कि वाटर के कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनकी वजह से वाटर खराब हो जाता है बट वो पोल्यूट कैसे करता है वाटर को अब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे सो अ केस स्टडी गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया इंडिया में जो गंगा रिवर है वो बहुत ही फेमस रिवर है ठीक है जो आपको ये एक फिगर भी गिवन है आपकी बुक के अंदर दिस वन इस फिगर में भी आप देख सकते हो ये यहाँ पे यहां से गोमुख से लेकर गंगोत्री हरिद्वार न्यू दिल्ली यूपी पटना बिहार वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के रास्ते से हो कोलकाता यहां तक आपको जो ये ब्लू वाली रिवर है इस रिवर को हम क्या बोलते हैं गंगा सो so, गंगा इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ इंडिया इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्दर्न सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन अब ये जो इस एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन है अब नॉर्दर्न इंडिया में हम भी रहते हैं ठीक है नॉर्थ पार्ट और ये कुछ सेंट्रल पार्ट और ये हमारा ईस्टर्न पार्ट यहाँ पर पॉपुलेशन को सर्व करने का काम गंगा रिवर ही कर रही है ठीक है हमें जितना भी पानी वगैरह हमें चाहिए होता है तो इस रिवर के थ्रू हम वो पानी कंज्यूम करते हैं ठीक है मिलियंस ऑफ पीपल डिपेंड ऑन इट फॉर देयर डेली नीड्स एंड एंड लाइवलीहुड्स अब हम जितनी भी हमारी रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है हमारी बेसिक नीड्स होती है और हमारे जीने के लिए हमें पानी चाहिए बहुत सारे लोग इस गंगा रिवर के ऊपर डिपेंड करते हैं हाउ एवर रिसेंटलीस स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर डब्ल्यू डब्ल्यू एफ होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इनकी एक स्टडी कहती है कि द गंगा इज वन ऑफ द टेन मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर इन द वर्ल्ड कुछ समय के बाद एंडेंजर्ड क्या होते हैं जो बहुत ही खतरे के पॉइंट पे है यानी आप कह सकते हो कुछ समय के बाद ये जो रिवर्स हैं ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगी बिकॉज गंगा को इसने डब्ल्यू ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जो पोल्यूशन लेवल है ना गंगा का वो इतना ज्यादा राइज होना शुरू हो गया है लास्ट कुछ इयर्स से कि जिसकी वजह से वो हम गंगा की जो ओरिजिनलिटी है वो हमें कुछ सालों के बाद नजर नहीं आएगी तो गंगा का पानी इतना ज्यादा खराब हो चुका है the pollution level has been rising for many years we have reached this stage because the towns and the cities through which the river flow throw large quantity of garbage untreated sewage dead bodies and many other harmful things directly into the river ab jitne bhi kyunki वहाँ पर गंगा के नियर बाय जितने भी टाउन्स हैं या सिटीज़ हैं वो सब लोग क्या करते हैं वहाँ पर जो रहते हैं वो जितना भी उनके घर का गार्बेज होता है जितना भी सीवेज मटेरियल होता है डेड बॉडीज होती हैं, हार्मफुल थिंग्स होती हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है कुछ भी चीज होती है सारा का सारा वो डंप कर देते हैं गंगा में उसकी वजह से क्या होता है कि जो पोल्यूशन लेवल होता है वाटर का वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो जो एक्वेटिक लिविंग वहां पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी जो पानी में हमारे पास फिशेज होती हैं ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं जू प्लैक्टो होते हैं ठीक है तो जितने भी वहां पर थिंग्स होती हैं वो सारी की सारी क्या हो रही हैं ऑलमोस्ट खत्म होनी शुरू हो रही हैं इन फैक्ट द रिवर इज डेड एट मैनी प्लेसेज वेयर द पोल्यूशन लेवल आर सो हाई दैट एक्वेटिक लाइफ कैन नॉट सर्वाइव कुछ जगह तो ऑलरेडी हम कह सकते हैं कि डेड ही है रिवर का कुछ पार्ट ऑलमोस्ट डेड ही हो चुका है क्योंकि वहां पर कोई एक्टिक ऑर्गेनिज्म uh, सरवाइव ही नहीं कर पाता एन एम्बिशियस प्लान टू सेव द रिवर कॉल्ड द गंगा एक्शन प्लान एक और प्लान है गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था जिसका भी जिसका मेन मोटिव भी क्या था कि गंगा को आप कैसे सेव uh, करो ठीक है इट एम टू रिड्यूस द पोल्यूशन लेवल इन द रिवर अब गंगा एक्शन प्लान का भी मेन मोटिव क्या था कि जो पोल्यूशन लेवल है गंगा में उसे रिड्यूस करना है हाउ एवर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन हैव ऑलरेडी डैमेज दिस माइटी रिवर बियॉन्ड रिपेयर अब जितने भी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से और इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंक्रीजमेंट की वजह से जो उसके नियर बाय जो रिवर है वो ऑलरेडी इतनी ज्यादा डैमेज हो सकी है कि अब हम उसे रिपेयर करने के बारे में भी हमें टेंशन होती है मीन्स इतना ज्यादा डैमेज कोज हो चुका है कि उसको अब रिपेयर करना भी काफी मुश्किल लगता है नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च इनिशिएटिव नोन एज नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा अब नाउ 2016 में एक और मिशन तैयार किया गया है कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एनएमसीजी इसे बोलते हैं गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है ताकि वो जो गंगा है उसको कैसे क्लीन कर सके उस एरिया की ये बात कर रहे हैंजन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेज ऑफ द रिवर वहां पर जो पॉल्यूशन है गंगा का बहुत ज्यादा है कानपुर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉप्यूलेटेड टाउन इन यूपी यूपी में उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन का एक टाउन कानपुर भी माना जाता है पीपल कैन बी सीन बाथिंग उस एरिया में लोग गंगा में ही नहाते हैं वहीं पे कपड़े वॉश करते हैं वहीं पे वेस्ट मटेरियल रिलीज करते हैं दे ऑल्सो थ्रो गार्बेज भी वहीं पे फेंकते हैं फ्लावर्स वहीं फेंकते हैं जितने भी उनके गॉड्स होते हैं जिनका आइडल्स मतलब कि जिनकी मूर्तियां वो और भगवानों की देवियों की जितनी भी मूर्तियां होती हैं वो भी वहीं पे विसर्जन करते हैं फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलिथिन बैग्स वगैरह होते हैं वो भी वहीं पे डंप करते हैं तो इसलिए क्या है कि गंगा का जो पॉल्यूशन वहां पर कानपुर वाले एरिया में है, वो बहुत ज्यादा है ठीक है एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इज दिवली स्मॉल एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो अब जो कानपुर वाला एरिया है वहां पर जो पानी है अमाउंट ऑफ वाटर इज कंपेरेटिवली स्मॉल मतलब कि वहां पर पानी बहुत कम हो गया है जबकि जो रिवर का फ्लो है वो बहुत स्लो है पानी पहले ही कम है वाटर ऑलरेडी वहां पे स्लो मूव करता है और दूसरा उसके ऊपर से इतना सब हम उसमें सामान वेस्ट डाल देंगे तो पानी का वहां पे जो फ्लो है वो बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा ठीक है इन एडिशन कानपुर हैज मोर देन फाइव फाइव थाउजेंड इंडस्ट्रीज कानपुर में फाइव थाउजेंड इंडस्ट्रीज हैं दीज इंक्लूड फर्टिलाइजेशन डिटर्जेंट लेदर एंड पेंट इंडस्ट्रीज अब जितनी भी ये इंडस्ट्रीज हैं फाइव थाउजेंड यानी पांच हजार इंडस्ट्रीज किस किस चीज की हैं फर्टिलाइजर्स की डिटर्जेंट की लेदर की एंड पेंट इंडस्ट्रीज तो ये भी अपना सारा का सारा सामान डंप करते हैं किस में हमारी गंगा में जो रिवर गंगा है दीज इंडस्ट्रियल यूनिट्स डिस्चार्ज टॉक्सिक केमिकल वेस्ट इन द रिवर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन थिंक ऑफ द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज वट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन ऑफ रिवर अब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि हम जितना भी डंप वेस्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल हम बाथिंग करते हैं वॉशिंग क्लॉथे डिफेक्टेटिंग गार्बेज थ्रोइंग फ्लावर्स आर्डल्स ऑफ गोड्स एंड गोडेस पॉलिथीन बैग्स ये सब एक्टिविटीज जो है रिवर गंगा के अंदर जो पॉल्यूशन का लेवल इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज वट स्टेप कैन बी टेकन टू रिस्टोर द गंगा रिवर गंगा टू इट्स पास ग्लोरी अगर आप चाहते हो कि आप जो गंगा रिवर है उसको पहले की ही तरह बना दो तो आप क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो तो आप स्टेप ले सकते हो कि जितना भी ये वेस्ट इंडस्ट्रीज है ये अपना ट्रीट करें पहले जो वेस्ट मेटीरियल रिलीज करती है ये डायरेक्टली रिवर में डा, ना डाले अगर ये डायरेक्टली टॉक्सिक चीजों को ही रिवर में डाल देंगे तो एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मुल होगा दूसरा ये जितने भी नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं उनको तो ये बिल्कुल भी डंप ना करें ठीक है मतलब कि जितना वेस्ट होता है उसको ट्रीट करें प्रॉपर डायरेक्टली वाटर के अंदर ना डालें तो इन कुछ पॉइंट्स से हम गंगा रिवर को रिस्टोर कर सकते हैं जैसे वो पहले थी नाउ द थर्ड क्वेश्चन हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एसेक्ट्रा एफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द रिवर अब गार्बेज की वजह से आप इतना ज्यादा गार्बेज अगर डाल दोगे तो जो वहां पर फंगस भी ग्रो कर सकती है वहां पर दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर सकते हैं और जो जो फिशेज वगैरह ऑलरेडी उस रिवर में हैं उनको जो सरवाइव के लिए उनको जो ऑक्सीजन चाहिए उनको जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं खाने की फीडिंग की वो उनको प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी क्योंकि वहां पर जो जम्स होंगे वो उस ऑक्यूपाई कर लेंगे उस एरिया को ठीक है सो दीज आर द सम कॉशन यू कैन ऑल ट्राई दिस बाई योर सेल्फ ऑल्सो मैनी इंडस्ट्रीज डिस डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इन टू रिवर एंड स्ट्रीम्स कोजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर अब बहुत सारी हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होते हैं रिवर्स में और स्ट्रीम्स में जो पॉल्यूशन कॉज करते हैं वाटर का एग्जाम्पल सर ऑयल रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी पेपर फैक्ट्रीज टेक्सटाइल शुगर माइल्स अब ये सारी जो इंडस्ट्रीज है ये भी अपना सारा का सारा वेस्ट कहाँ डंप करती है रिवर के अंदर एंड सम केमिकल फैक्ट्रीज कहीं पे भी germs ग्रो हो जाना अब ये इतना ये सारी फैक्ट्रीज या जितनी भी ये इंडस्ट्रीज है ये सब अपना केमिकल कंटेमिनेशन वॉटर के सॉरी uh, ये सारा का सारा अपना कंटेमिनेट कहां डाल देती है वॉटर में जिसकी वजह से कंटेमिनेशन ज्यादा से ज्यादा हो जाती है द केमिकल्स रिलीज इंक्लूड आर्सैनिक फ्लोराइड्स विच लेड टू टॉक्सिसिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल अब ये केमिकल्स इतने ज्यादा होते हैं हार्मफुल। इनके अंदर क्या क्या होता है आर्सेनिक, लेड फ्लोराइड्स। जिसकी वजह से क्या होता है टॉक्सिसिटी हो जाती है प्लांट्स एंड एनिमल में और वो सर्वाइव नहीं कर पाते देयर आर रेगुलेशन टू प्रीवेंट दिस बहुत सारे रेगुलेशन है कि इनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं यानी इनको बचा सकते हैं इंडस्ट्रीज आर सपोज टू ट्रीट द वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इट इन टू वॉटर बट क्वाइट ऑफन द रूल्स आर नॉट फॉलोड अब क्या है कि इंडस्ट्रीज जितना भी वेस्ट अगर वो पानी में डालना भी चाहे तो पानी में डायरेक्ट डालने से पहले वो उसको अ, अ, मतलब कि ट्रीट कर सकते हैं अगर वो बहुत ही हार्मफुल है तो उसको लेस हार्मफुल बना सकते हैं यानी बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी लेवल बहुत ज्यादा है तो उसका टॉक्सिसिटी लेवल कुछ कम कर सकते हैं तो उसको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और फिर उसको आप के अंदर डिस्चार्ज करेंगे तो ज्यादा उसका पोल्यूशन नहीं कॉज होगा वाटर के ऊपर या इफेक्ट नहीं होगा उतना जितना पहले होता है ठीक है द सोयल इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इम्प्योर वाटर कॉजिंग चेंजेस इन एसिडिटी ग्रोथ ऑफ वा अब वाटर का भी जो पीएच होता है यानी आप कह सकते हो जो बेसिक होती है वाटर या एसिडिक होती है तो एसिडिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है और वाटर इम्प्योर होने की वजह से क्योंकि हम पानी जमीन को देते हैं वहां पर सॉयल फर्टिलाईज हो सके लेकिन पानी के अंदर ऑलरेडी इतना ज्यादा टॉक्सिक मटेरियल है कि वो वहां का जो ऑलरेडी जो सॉयल है उसको भी अफेक्ट कर देती है और वहां पर वॉर्म्स वगैरह ग्रो हो जाते हैं वी हैव लर्न इन चैप्टर वन द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड एंड एंडीसाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप हाउ एवर ऑल दिस केमिकल डिजोल्व इन वॉटर एंड आर वॉश्ड इन टू वॉटर बॉडी फ्रॉम द फील्ड्स अब क्या होता है कि हम ये केमिकल्स या पेस्टिसाइड्स जितने भी हम क्रॉप्स के ऊपर डालते हैं डालते तो हम इसलिए हैं ताकि प्लांट्स को सेव कर सकें लेकिन अब इन केमिकल्स की वजह से क्या होता है जब हम पानी डालते हैं तो वो सारे के सारे केमिकल्स वॉश हो जाते हैं प्लांट बॉडीज के ऊपर से और वो वाटर बॉडीज की हेल्प से फील्ड में आ जाते हैं यानी आप किसी पौधे के ऊपर पहले आपने दवाई डाली और दवाई डालने के बाद आपने पानी डाल दिया पानी जब डालोगे तो वो दवाई सारी वॉश ऑफ हो जाएगी प्लांट के ऊपर से और वो सॉयल में चली जाएगी तो जिसकी वजह से जो सॉयल होती है वो भी पोल्यूटेड हो जाती है ठीक है दे ऑल्सो सीप इन टू द ग्राउंड अब जो पानी डाला हमने और वो सॉयल के अंदर केमिकल्स भी चले गए अब वो केमिकल्स पानी के साथ वो जमीन के नीचे चले जाते हैं ग्राउंड वाटर में तो वो ग्राउंड वाटर को भी क्या कर देते हैं पोल्यूट तो इसकी वजह से क्या होता है कि सारा ही वाटर पोल्यूट होना शुरू हो जाता है डिस्टेंस बिकॉज दे है क्वांटिटीज ऑफ केमिकल्स विच गेट वॉश्ड फ्रॉम द फील्ड अब क्या होता है कि आपने बहुत बड़े बड़े तालाब देखे होंगे जो ऊपर से आपको एक ग्रीन कलर की लेयर नजर आती है वो लेयर एक्चुअली क्या है वो अलगी है अलगी ग्रो कर जाती है क्योंकि वो पानी स्टेग्नेट होता है क्योंकि वो खड़ा हुआ पानी है वहाँ पर जो केमिकल्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे अलगी की ग्रोथ हो जाती है दी इज एक्ट एज न्यूट्रिय फॉर एलगी क्योंकि हम वहाँ पर जो केमिकल्स वगैरह डालते हैं वो न्यूट्रिय का, का काम करते हैं एलगी को फ्लरिश करने के लिए यानी वहां पर ग्रो करने के लिए वंस दी अलगी डाई और जैसे ही वो अलगी जब मर जाती है लाइक बैक्टीरिया अ अलॉट ऑफ ऑक्सीजन इन द वॉटर बॉडी गेट यूज अप ठीक है तो जो ऑक्सीजन वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म को यानी आप कह सकते हो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को चाहिए थी वो ऑक्सीजन कौन यूज कर लेता है एलगी ठीक है और इसी की वजह से द रिजल्ट इज डिक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल विच मेक इल एक्वेटिक एनिमल्स या एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स अब क्योंकि ऑक्सीजन लेवल वो सारा का सारा अलगी यूज कर लेती है और ऑक्सीजन लेवल वहां पे कम हो जाता है तो ये सब क्या होता है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए हार्मफुल होता है और वहां पर एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव नहीं कर पाते सम्स अन ट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इन टू रिवर्स अब कई बार जो अनट्रीटेड सीवेज होता है यानी जो वेस्ट मटेरियल ह्यूमन बींग्स रिवल करते हैं तो वो डायरेक्टली लोग रिवर में थ्रो कर देते हैं ठीक है इट कंटेन्स फूड वेस्ट ठीक है बहुत सारा फूड वेज भी होता है सीवेज के अंदर तो डिटर्जेंट्स भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होता है फिकल भी होते हैं तो उन सब की वजह से क्या होता है जो पोल्यूशन लेवल होता है वो बहुत इंक्रीज हो जाता है एक्सेक्ट कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज यस ऑफकोर्स क्योंकि ये सारा का सारा वाटर हम यूज ही करते हैं अपनी चीजों के लिए फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉटर कंटेमिनेटेड लाइक कॉलरा टाइफाइड एंड ज्वाइन आपको जितने भी डिजीज होते हैं वाटर बोर्न डिजीज के बारे में सुना होगा जो कॉलेरा है टाइफाइड जैसे बोस्टली होता है वो पानी की वजह से होता है जब रेनी सीजन में आप पानी पीते हो तो आपको वो जो टाइफाइड बैक्टीरिया टाइफाइड होता है वो आपके बॉडी में एंटर कर जाता है जिसकी वजह से आपको फीवर वगैरह होना शुरू हो जाता है जॉन्डिस में भी यही होता है तो ये सारे वाटर बोन डिजीज होती हैं ठीक है द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द दिक्स ऑफ मैमल्स आर इंडिकेटे इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ वाटर जो बैक्टीरियाज फिकल मैटर में प्रेजेंट होते हैं मैमल्स के वो इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेटर हैं कि पानी की क्वालिटी कैसी है इफ वाटर हैज दीज बैक्टीरिया अगर पानी के अंदर ये बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे इट मीन्स ज बीन कंटेमिनेटेड बाई फीकल मैटर जो बैक्टीरिया मैमल्स के फीकल में मिलते हैं अगर वही बैक्टीरिया पानी जो हम यूज करते हैं उसके अंदर मिलते हैं तो इट मीन्स जो हमने पानी पिया वो बैक्टीरिया कंटेनिंग पानी था ठीक है आप कह सकते हो कंटेमिनेटेड वाटर था वो इफ सच वॉटर इज यूज बाय इट कैन कोज वेरियस इन्फेक्शन इन वॉटर की वजह से हमें बहुत सारी इन्फेक्शन हो सकती है बिकॉज वो बैक्टीरिया कहाँ पे एंटर कर गया है हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है थ्रू वाटर ठीक है नाउ वॉट इज पोटेबल वाटर एंड हाउ इज वाटर प्योरिफाइड अब हम पढ़ेंगे कि पोटेबल वाटर क्या होता है एंड हाउ इज वाटर प्योरिफाइड और हम उस पानी को कैसे प्योरिफाई कर सकते हैं बोजो इज वेरी अपसेट ही टेल्स पहली दैट ही ड्रिंक वाटर विच लुकड क्लीन वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फील सिक्स। अब इसका क्या मतलब है कि वो कह रहा है कि वो बहुत अपसेट है पहेली से वो कहता है कि वो पानी पीता है जो बिल्कुल क्लीन लगता है उसके अंदर कोई स्मेल भी नहीं होती बट फिर भी वो बीमार पड़ जाता है पहेली एक्सप्लेंस दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेजम एंड डिजोल्व इम्प्योरिटीज जो पानी हमें देखने में एकदम साफ नजर आता है एक्चुअली में उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है सो इट इज असेंशियल टू प्योरिफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि आप जो पानी है उसे बॉइल कर कर पियो बिकॉज बॉइल्ड पानी के अंदर जितने भी जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं और आपके लिए वो ड्रिंकिंग वाटर सुटुएबल होता है वाटर विच इज सुटल फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर अब जो वाटर आप इजिली सुटुएबल होता है आपके लिए और आप इजिली उसको ड्रिंक कर सकते हो उसे हम क्या बोलते हैं पोर्टेबल वाटर। नाउ यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस इन द सीवियस ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इन टू वॉटर बॉडीज अब यू हैव सीन वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आपने बहुत सारे फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस देखे होंगे कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में यूज होते हैं अब वहां पर वो पहले क्या करते हैं फिल्ट्रेशन करते हैं जितने भी उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग कर देते हैं छोटे पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन हो जाता है जो और जो पानी के अंदर जो और भी क्लीनिंग करने के लिए प्रोसेसिस होते हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज होते हैं ठीक है तो इससे क्या होता है सिमिलरली म्यूनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वॉटर बिफोर सप्लाइंग इट टू हाउस होल्ड और जो पानी हम अपने रेगुलर हम घर में यूज करते हैं जो हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है वो उस पानी को पहले प्रॉपरली ट्रीट करते हैं उसके बाद ही वो हमारे हाउस होल्ड तक पहुंचता है ठीक है नाउ लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग अब आप पानी को कैसे सेफ बना सकते हो अपनी ड्रिंकिंग के लिए अब हम उसको जानते हैं ठीक है you have already seen how water is filtered this is a physical method of removing impurities aap pani ko filter kar sakte ho jo ek physical method hai jo remove kar sakta hai impurity ko a popular household filter is a candle type filter आपने हाउस होल्ड में आपने कैंडल टाइप फिल्टर देखा होगा जिसको बहुत सारे लोग यूज करते हैं जिसकी वजह से जो moti मोटी, -मोटी चीजें होती हैं at least वो पानी के अंदर ना आए उसको हम filter out कर सकते हैं ठीक है मैनी हाउस होल्ड यूज बॉइलिंग एज अ मैथड फॉर ऑप्टेनिंग से जर्म्स प्रेजेंट इन द वॉटर अब हम बहुत सारे लोग घरों में वॉटर को बॉयल कर कर पीते हैं बिकॉज बॉइलिंग की वजह से जो जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं और वॉटर हमारे लिए सुटेबल हो जाता है आप कह सकते हो ड्रिंकिंग के लिए हमारे लिए सही पानी होता है क्लोरिनेशन इज अ कॉमनली यूज केमिकल मैथड फॉर प्योरीफाइंग वाटर अब बहुत सारे लोग क्लोरिन को ऐड करते हैं uh, क्या होता है केमिकल है जिसको वो यूज करते हैं ताकि जो वाटर है उसको प्योरिफाई करने के लिए इट इज डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू द वाटर अब क्लोरिन टैबलेट्स यूज करते हैं लोग या ब्लीचिंग पाउडर यूज कर लेते टू द वाटर वी मस्ट बी क्वेश्चन वी शुड नॉट यूज मोर क्लोरीन स्पेसिफाइड हमें क्लोरीन को ज्यादा अमाउंट में भी यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज क्लोरीन हमारे लिए इतना भी ज्यादा अच्छा नहीं होता बट स्मॉल अमाउंट में अगर हम क्लोरीन यूज करना चाहें तो हम कर सकते हैं अब जैसे आप स्विमिंग पूल वगैरह में जाते हैं तो वहां आपको इतना ब्लू और एकदम क्लीन वाटर कैसे दिखता है क्रिस्टल क्लियर वाटर आपको नजर आता है वहां पर भी वो क्लोरीन का यूज करते हैं ठीक है सो so, क्लोरीन को हम कम अमाउंट में यूज करना चाहें तो कर सकते हैं बट नॉट इट शुड नॉट बी यूज इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी और इन अ लार्ज अमाउंट नाउ वट कैन बी डन अब हम क्या कर सकते हैं कि हम जो पानी के अंदर जो पोल्यूशन है हम उसको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं लॉज फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी स्ट्रिक्टान इम्प्लीमेंटेड सो देट पोलूटेड वाटर इज नॉट डिस्पोज ऑफ डायरेक्टली इन टू रिवर्स एंड लेक अब कुछ कानून यानी कानून क्या होते हैं लॉज लॉज बनाने चाहिए इंडस्ट्रीज जितनी भी होती है इंडस्ट्रीज क्या करती हैं वो अपना जितना भी वेस्ट मेटीरियल होता है वो डायरेक्टली डंप कर देती हैं रिवर्स में सो so, कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए कुछ लॉज होने चाहिए जिसके वजह से वो अपना डायरेक्टली जो डिस्पोज ऑफ करते हैं वो डायरेक्टली वाटर्स या रिवर्स में ना कर पाएँ उनके लिए कुछ ना कुछ रूल्स होने चाहिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी इंस्टॉल्ड इन ऑल इंडस्ट्रियल एरिया अब क्योंकि उन्हें पानी डायरेक्ट उनको वेस्ट सारा कहां डालते हैं वो रिवर में डाल देते हैं इंडस्ट्रीज वाले अगर उन्हें रिवर में डालना भी है तो उनको कुछ अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने चाहिए जिसमें वो इंडस्ट्रियल वेस्ट को पहले ट्रीट करें देन वो उसको रिवर में डाल दें क्योंकि उससे क्या होता है पोल्यूशन बहुत ज्यादा नहीं कॉज होगा ठीक है एट ओवर इंडिविजुअल लेवल वी शुड कॉन्सियसली सेव वाटर एंड नॉट वेस्ट और हमें अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए जितना कम हम पानी वेस्ट करेंगे उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है वी शुड यूज रिड्यूस री यूज एंड रिसाइकिल शुड बी ओअर मंत्रा हमें ये जो ये चीज तीन आर थ्री आर होते हैं इसको थ्री आर भी बोल देते हैं रिड्यूस कम से कम पानी का इस्तेमाल करो रीयूज दोबारा अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो जैसे हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं जो रेन वाटर होता है उसको हार्वेस्टिंग करते हैं उसको सेव करके रखते हैं ताकि वो अपने अदर एक्टिविटीज में उस पानी को री कर सके और रिसाइकल आप जो एक बार यूज कर सके वो वही दोबारा दोबारा उसको यूज कर सके साइकिल में तो ये जो तीन आर होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू सेव वॉटर थिंक ऑफ योर डेली रूटीन हाउ कैन वी सेव वॉटर आप डेली में जो एक्टिविटीज करते हैं उनके बारे में सोचो उससे भी आपको पता लगेगा कि आप वाटर को कैसे सेव कर सकते हो वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडियाज लाइक री यूजिंग वाटर यूज फॉर वॉशिंग एंड फॉर अदर हाउस होल्ड टास्क जितना भी हम हाउस होल्ड वर्क करते हैं या वॉशिंग करते हैं उस पानी को हम कैसे रीयूज कर सकते हैं उसके बारे में आप कुछ सोच सकते हो फॉर एग्जाम्पल वॉटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स मे बी यूज टू प्लांट वॉटर इन द गार्डन जो आप वेजिटेबल्स वगैरह या फ्रूट्स आप जो मार्केट से परचेज करके लाते हो और उसे आप आते ही घर में वॉश करते हो उन जो वाटर आप यूज करते हो उस वाटर को आप अगेन यूज करते हो कर सकते हो फॉर प्लांटिंग ट्रीज जो ट्रीज आपने प्लांट किए हुए हैं उसके लिए आप उन वॉटर को यूज कर सकते हो ठीक है पोल्यूशन इज नो लॉन्गर अ डिस्टेंस फिनोमिना इट इज अफेक्टिंग द क्वालिटी of our daily life. Unless we all realize our responsibility and start using environment friendly processes, the way survival of our present planet is in danger. ab kya hai Pollution is no longer a distant phenomena अब ये हमसे दूर तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो human beings की आजकल की activities है, उसके according pollution तो होगा. क्योंकि हम व्हीकल्स यूज करते हैं हम वाटर मोर मोर एंड मोर वाटर यूज करते हैं तो इन सब की वजह से पोल्यूशन तो होगा बट हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं यानी आप कह सकते हो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो हम पानी को और अपनी एयर uh, को डैमेज से या कह सकते हो आप पोल्यूशन से सेव कर सकते हैं हम इको फ्रेंडली या इन्वामेंट फ्रेंडली प्रोसेस यूज कर सकते हैं और हम अपने प्लानिट अर्थ को भी सेव कर सकते हैं इस स्टूडेंट्स दिस चैप्टर इज ओवर नाउ Do read this chapter from your NCRT for better understanding. And if you found any problem, then you can ask me on my WhatsApp number or in your doubt class also. Along with this video, I will share with you a worksheet. So do complete all your pending worksheets along with this on time. And uh, thank you, students. Have a nice day. Stay home. Stay safe.